असलमकम वरह लाला वबरकू क्या हाल है जी खैरियत ठीक ठाक अगर जी टॉक्स तो विशेष खुशामत कहना वा तो उम्मीद करना ठीक हो सो अच्छा जी गलिए कि मैंने बहुत सारे लोगों ने कहेंदे देखा है मतलब नोट किया है भावें पठान होहर का हो भावें उर्दू स्पीकिंग हो भावें इनको स्पीकिंग हो भावें पंजाबी हो भावें जिस इलाके का हो ओ और जनाबली ये कैसी गलत कर दे करते पठान हो, हो कैसी वादे वेरे दिल थोड़ी देर बाद कैसी वादे उरे दिल तावरे ये ते इनको गलत किसी भी सुनना थोड़ी देर बाद इन चल सुनना पें उर्दू चीज सुन रहे हो एक ये वजह होती है क्यों इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब कि मुतवजा करवाते इस पिछे कह रज है ਫੋਰੇਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੂਈ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੇ ਕੈਨਸ ਉਹ ਮੈਂ ਆਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਰ ਲਾਵਾਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ हम साढ़े साजिद भाई मिले तो कि जी ये गल भी शेयर करो लोग कि लोग जड़े साढ़े शहर के लोग, लोग जरज जो माल हाल पैसा दौलत आ जाए तो वह जड़े इंग्लिश बोलना शुरू कर देने देखो जी सब कुछ करो सब कुछ करो लेकिन अपनी किस्म अपना जुबान है अपनी अपनी, उ, अपनी जात कदी ना बदलो नहीं बदलनी चाहिए जी इससे फख्र करना चाहिए थोड़ा तो जी को किसब मिसाल की गा तो कुला लुंगी ना किस है ठीक है खत्म हो गया रिवाज लेकिन हूँ भी जो पूछा के कारोबार है तो कहने सी टोपिया का कुल लुंगी काोबार है तो लोग शायद कहते हैं टोपियां है फलाना है ठीक है ठीक है कारोबार होता है भावें दस रुपये की नुसुार भी बेचो ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 25 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸਵਾਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੁਇਚੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੋ ਰਹਿ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੈਤੇ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ذات ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਠਾਣਨ پٹھان جی کچھ بھی کرن اسی لوک کے بولنے کسی نے بیٹھے نہیں پٹھان کہندے نہیں جی اپنی زبان پشتو اسی بھی شروع ہو جنے غلط غلط پشتو اګه تمه والدے غرا غل دے غناز دے اګه تل دے غدا کڑے دے خه والدے والدے اپڑی طرف انکو دل ہے جی پشتو بولنے ضرورت کیوی اپڑی انکو دے وچ بولو کیوں انکو اگلا تو اٹھے سن بولے چلو پٹھاناں نال نہیں باہر نہیں باہر نہیں واپاری آندے نہیں دور دور لوگ دکانات کاج کم کاج نه کاروبار ته نہیں अपनी जुबान बोलो लेकिन बोलो सही हूँ अस अगर जी बैठे दुकान से दे देखिए एक आंदे दूँ आंदे त्रीया लोग आते अगर जी नाल मतलब मुख्तलिफ उन्हों कारोबार है या कुल लुंघी का किसूबे बेचते हर किस्म के काबुल से लोग आते इधर उधर सी आते जुबाना बोलते फारसी दुई त्री इस तरह बस इंसान सीखता है हर जुबान सीख है हर किसम लोग हर किस्म का बंदा हर किस्म की आसी आिल सी तो मिल सी गुफ्तगु तो सी तो ठीक है मिलो लेकिन याद रखो बहर नहीं तो अंदर अपने बच्चे नाल कार दे इनको जुबान बोलो इनको देखो घट आती पी है दिन पदिन दिन कम 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 कम, कम। आजकल जे नवे जनरेशन है वो या इंग्लिश या वो मेरी अपनी बाजी है वो मोबाइल से कार्टून देख देख के देख 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 के से अंग्रेजी उसे वजी और वो माँ नाल भी कार अंग्रेजी तो मनु भी आ के मैं खैर इतनी तालीम मेरी नहीं गई लेकिन मैं बात भी समझ जन बची को थोड़ी बहुत गलत कर दी है मैं यह स्नो कर ला बस लेकिन इनको बोलनी चाहिए थी इनको बहुत जरूरी है सड़ी मादरी जुबान है तो इनको नहीं भुनना किसी सूरत भी बाकी अल्लाह तुम तोफीक मेरे गल अमल करो ते खुश रहो आबाद रहो अपना ख्याल रखो ते साजिद भाई ने मेरा बहुत बहुत सलाम प्यार ते शुक्रिया कि उन्होंने मतलब है कि मेरे थ्रू ये पैगाम लोगों तक पहुँचाया कि लोग जड़े इस शह नो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी अपना ख्याल रखो खुदा हाफिज़